बरेली में आला हजरत के 101वें उर्स को लेकर उर्स स्थल पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएंगे। उर्स में तकरीबन 5 लाख जायरीनों की आने की संभावना है। आगरा पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ओपी सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला सिंह पहुंची, जिनका स्वागत एसएसपी आगरा बबलू कुमार की धर्मपत्नी ज्योत्सना सिंह ने किया। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन श्रीमती निर्मला सिंह ने फीता काटकर किया है और भवन में बने क्लासरूम को देखा है। स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी उन्होंने जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश में मैं उन पे खास ध्यान देना चाहती हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हुई मैं यहाँ आई तो टीचर्स का जोश मैंने देखा, उत्साह देखा, क्लासरूम में बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे, सब क्लासरूम वेल वेंटिलेटेड है। मुझे आज आके ये पीछे कर लो पूरा हाथ आ रहा है सेक्शन है उसका उद्घाटन करने में बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा बच्चों का कलर स्कीम की आइडिया है। आज मुझे लगा कि पुलिस परिवार के अलावा बाहर के बच्चे भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं। हम लोग ने इतना अच्छा इसको कॉम्पिटिटिव बना दिया है, टीचर्स भी अच्छे हैं और प्रिंसिपल भी बहुत मेहनत से बहुत सालों से यहाँ हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई है और मैं इसी तरह से चाहूँगी हमारे बाबा सारथी मेम्बर्स सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ भी PMS हो उस पर ध्यान दें। जैसे हमारी एक मेंबर ज्योत्सना है, उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया और भी बामा सारथी मेंबर्स ने काफ़ी इसमें सहयोग दिया है और मुझे अच्छा लगा यहाँ। धन्यवाद। गाजियाबाद में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। दरअसल फैक्ट्री के बाहर एक युवक को 2 बदमाशों ने 5 गोलियां मार दी थी, जिसके बाद मौके से वो फरार हो गए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर हुई इस वारदात के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे थे। तो मुरादनगर का पहले कसले वाला पूछ लो। सर, मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक गौरव नाम के युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा? देखिए, चित्तौड़ा का रहने वाला थाना मुरादनगर क्षेत्र का, और ये आज लगभग 9:30 बजे के लगभग जब ये अपने जो चित्तौड़ा गेट है वहाँ कुछ लोगों ने इस पर गोली बरसाई और उसकी मृत्यु हो गई। ये जैसा कि अभी प्राथमिक जांच में पाया गया है कि इसकी गांव के कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी और उन्हीं के द्वारा, जैसा कि मौके पर बताया, क्योंकि अभी FIR नहीं हुई, कन्फर्म नहीं कहते, उन गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी हत्या की गई। लेकिन जब FIR होगी तो सारी पिक्चर क्लियर होगी और उसके बाद ही बाकी सारी बातें बता पाएंगे। सर, चित्तौड़ा का जो गेट है वैसे घूम के आना पड़ता है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आता है। आज हत्या हुई है, कल कोई और भी घुस सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री संवेदनशील है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इससे लोगों का आना जाना है, जो उस के अंदर से आना जाना, इस बात पर अब हम लोग और ध्यान देंगे और इसकी सुरक्षा कैसे कड़ी की जाए, क्योंकि गांव के जाने आने का गेट है, पहले से लोग जाते आते रहे हैं, तो एकदम रोक टोक संभव नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देंगे कैसे इसे किया जा सके। क्या नाम है आपका? अतुल तेवतिया। अतुल तेवतिया। अतुल, क्या ये कौन थे मरने वाले? बड़ा भाई था। क्या नाम था? गौरव तेवतिया। क्या कारण रहा इनकी हत्या, कुछ पता चलता है? किसी से कोई दुश्मनी या कुछ? सर, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा। अरे, अपनी दुकान पे आ रहे थे घर से। हाँ। गेट होने का गेट पड़ता है वहाँ पे। हाँ। रोका इन्हें। हाँ। इनसे राम राम की। हम्म। राम राम करने के लिए इनसे हमला कर दिया। अच्छा। मैं पीछे से आ रहा था, जो हम मौके पर आज के आदमी थे, उन्होंने कहा कि तेरे गाँव का वो लड़का गोली मार दिया। किसने गोली मारी? विक्की नाम। विक्की ने क्यों गोली मारी, कोई रंजिश चल रही थी? नहीं, कोई रंजिश। तो ऐसी क्या वजह रही जो गोली मार दी? सर, ये सर एक पहले गांव में लड़ाई हुई थी। हाँ। तो हो सकता है उसकी वजह से रंजिश। कितनी गोली मारी? सर, 5। ग्वालियर के आदित्यपुरम में स्थित ग्रीन वुड स्कूल के दोनों तरफ बिजली के तारों का जाल मौत का तांडव कर रहा है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी तार अचानक टूट कर गिर सकता है। ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल के अंदर नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल के अंदर जाते हैं, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर सेक्टर 4B में लगभग 5.5 साल से नई नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता विजयपाल घोपला की शुगर और वजन तेजी से घट रही है, जिससे अब डॉक्टर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि जिस तरीके से किसान नेता विजयपाल घोपला का वजन नीचे गिर रहा है, उनसे
कभी भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए किसान नेता विजयपाल घोपला को आमरण अनशन खत्म करके अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। तो वहीं किसान नेता ने ठान लिया है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ अन्य किसानों ने भी चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो अपना अनशन जारी रखेंगे। ताऊ जी, ऐसी क्या स्थिति है कि आपने दोनों चीजों में से एक को चुनने का निर्णय ले लिया, या तो मौत मिलेगी या फिर मांगे मंजूर होंगी? एक तरफ तो मैं एकला मर रहा हूँ, अगर ये मांगे मंजूर ना हुई तो हजारों आदमी मरेंगे। भूख की ऐसी स्थिति है, हमारी जमीन का जो है हमारी जान से ज्यादा कीमत है। जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, मैं आज मरूं या आने वाले दिनों में मरूं, मर के या हमारी मांगे पूरी होंगी, इसके अलावा कुछ भी कर लो। डॉक्टरों का पैनल आया था, स्थिति क्या बता कर गया? वो तो मेरे से ये कह रही है कि आपका जीवन जो संकट में तुरंत भर्ती हो जा, मगर जी मैं तो मरने के लिए लौट रहा हूँ, मैं तो मेरी मांग मनवा दे। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति है कि धरना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव के शिव मंदिर में और मंदिर के भी मुख्य घंटे के नीचे आपने अपने आप को लिटाया हुआ है? ये था जी, ये जब भी आमरण या कुछ करते हैं लोग बर्तन को खाते हैं, तो मेरा मानना ये है मैं गांव के बीच रहूं, ऐसे ही कितनी शक्ति लगा लो मुझे मरने से पहले हिस्सा उठा नहीं सकते। तो केवल जो अपना शरीर चलाने के तौर पर क्या सिर्फ लिया जा रहा है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बेटे 5 दिन हो गए, 7 दफा पानी ले रहा हूँ। बीरपाल जी, 3 चीजें प्रतापपुर से चल रही हैं, प्रतापपुर के घोपला से चल रही हैं। सबसे पहली, आपका एक धरना पिछले 5.5 साल से चल रहा है आपकी मांगों को लेकर। दूसरा, 72 घंटे से किसान जो हैं वो MDA की पानी की टंकी पर चढ़े हुए बैठे हैं। और तीसरा और जो सबसे बड़ी मुख्य घटना चल रही है वो ये है कि विजयपाल घोपला जी पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने अन्न और सब कुछ खाना पीना त्यागा हुआ है, सिर्फ जीने के नाम पर एक पानी ले रहे हैं। और प्रशासन की इसमें आपको क्या उदासीनता लग रही है? जो ये जो मेरठ का प्रशासन है बिल्कुल जो है उदासीन, इतना उदासीन प्रशासन आज तक हमने नहीं देखा। सरकार की हमारी की ऐसी नीतियां हैं जो मतलब किसान कहने को तो किसान सरकार है और किसान पर इनका जरा सा भी ध्यान नहीं है। और जो है ये हम जो है कल इस बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारे बाहर के भी जो यूनियन के कार्यकर्ता वे भी आएंगे, और कल तक अगर वार्ता नहीं होती है तो कल हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, ये हमारी चेतावनी है आपके माध्यम से भी। और हमने वैसे भी अपनी खबर दे दी है कि कल बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा इस विषय पे कि अब जो है किसान चुप नहीं बैठेगा। यूपी के जहांगीराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धर्मपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव डबकौरा में 17 अक्टूबर को धर्मपाल निवासी सबदलपुर थाना नरसेना का शव खेत में मिला था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 17 तारीख को जहांगीराबाद थाने के डबकोरा क्षेत्र में एक जो है शव मिला था, जिसका अज्ञात में पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया। मोर्चरी हाउस पर इसकी शिनाख्त जो है धर्मपाल और सनाब सरदार सिंह सफदलपुर नरसेना निवासी के रूप में हुई, और इसके परिजनों द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर देकर के मुकदमा पंजीकृत कराया गया, और जो है आज हमारी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया कर लिया है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।